नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ के लिए शेष स्कोर कितना रहने वाला है, यानी आपको 70 में से कितने नंबर लाना ज़रूरी है। देखिएगा, हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी को कितने मार्क्स चाहिए, ओबीसी वालों को कितने नंबर चाहिए और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को कितना नंबर चाहिए, और आपका सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई मार्क्स कितने रहने चाहिए, यानी कि सब कुछ बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा, आप सभी को पता है कि सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ का जो सिलेबस है, जिसमें देखिएगा जो आपका इंग्लिश है 10 नंबर का आएगा, मैथ आपका 20 का आएगा, रीजनिंग आपका 20 का आएगा और जो आपका जीके है वो भी आपका 20 का आएगा। यानी टोटल आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। समय रहेगा आपके पास 90 मिनट का और 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, आपको याद रखना, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और देखिएगा सब कुछ 8th स्टैंडर्ड का पूछा जाना है, ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 8th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके कुछ भी मतलब हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यदि आपका जो इंग्लिश पूछा जाएगा नॉर्मली पूछा जाएगा और मात्र 10 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें आपका ग्रामर अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका मैथ आएगा, मैथ आपका एडवांस मैथ नहीं आना है, ओनली आपका अर्थमेटिक आना है, ठीक है, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी आपके नहीं आएंगे। रीजनिंग भी आपका नॉर्मल आएगा और जनरल अवेयरनेस भी आपका ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं आने वाला है। कुछ बैंकिंग से क्वेश्चंस रहेंगे और आपके अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिएगा, हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, यूआर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो, तो आपको 55 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 55 से आपको 58 के बीच में क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही सही, तब यहाँ पर आप क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी वालों को भी यहाँ पर 55 प्लस मार्क्स चाहिए, 55 से 57 के बीच में यहाँ पर ओबीसी वालों को चाहिए। और यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी वालों को 45 से 55 के बीच में अटैम्प्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी वो सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। एसटी वालों की बात करें तो 40 से 45 मार्क्स यहाँ पर यानी कि लाना ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस वालों को 50 से 55 के बीच में मार्क्स लाना ज़रूरी है। चाहे आपने किसी भी रीजन से फॉर्म अप्लाई किया हो, आपको इतने नंबर तो लाने होंगे, यानी इतना स्कोर तो आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिएगा, कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई है इसमें, और सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई मार्क्स आपके कितने रहने चाहिए। जैसे कि जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आएगी, तो 10 में से आपको 4 से 5 नंबर लाना ज़रूरी है। रीजनिंग आपकी 20 की आएगी, तो 20 में से यहाँ पर आपको 8 से 10 नंबर लाना रीजनिंग में ज़रूरी है। इसी प्रकार आपके जो मैथ और जीके में आपको क्वालिफाई के लिए यानी कि 8 से 10 मार्क्स लाना यहाँ पर ज़रूरी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और देखिएगा, अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई हुई है, पहले आपकी पीईटी एग्ज़ाम की डेट आएगी, फिर इसके बाद आपकी सीबीटी की, तो आपके पास अभी भी टाइम है। आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और उसमें अपना स्कोर चेक कीजिए कि मेरा कितना बन रहा है। यदि आपका जनरल वालों का 55 प्लस बन रहा है तो वो सेफ जोन में, यानी वो एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और देखिएगा, यहाँ पर आप मैथ्स रीजनिंग और जीके इन तीनों सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी आपकी मैथ रीजनिंग पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप आसानी से यानी सिलेक्शन ले जाओगे। यदि आप इनमें से 20 में से 15 प्लस मार्क्स लाते हो, 20 में से 15 से ऊपर 16, 17, 18 तक यदि आपके नंबर आते हैं, तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको हम बता दें, देखिएगा जनरल अवेयरनेस के लिए यदि आपको 20 में से 17 से 18 मार्क्स चाहिए, तो आप हमारी इस ई बुक का यूज कर सकते हो।
ये परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसमें देखिएगा बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के 1200 MCQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी मीडियम में हैं, ठीक है, और सभी प्रीवियस ईयर्स के आधार पर ये सभी क्वेश्चन हैं। और जिसका प्राइस कितना है, ओनली 50 रुपये। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और पेमेंट कीजिएगा आप वहीं पर, वहीं आपको तुरंत के तुरंत ई बुक सेंड कर दी जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी डाउनलोड नहीं की है, तुरंत जाके डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा 1000+ कैंडिडेट्स ई बुक को डाउनलोड कर चुके हैं। इस ई बुक के जरिए आप जनरल अवेयरनेस का स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और देखिएगा मैथ रीजनिंग का सिलेबस यानी फिक्स होता है, यदि आपने तैयारी की है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तो मैथ रीजनिंग का स्कोर भी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखिएगा ज़्यादा टफ है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ओनली 8th लेवल का बोला है इसमें कि 8th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका जो पेपर आएगा मॉडरेट भी नहीं, यानी बिल्कुल नॉर्मल आएगा, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। यदि आप 4 से 5 घंटे भी स्टडी करते हो तो इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हो, बस अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर जाएंगे। और गारंटी से आप में से कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर है, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स 100% फाइनल सिलेक्शन लेंगे। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और देखिएगा जैसे ही एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कुछ भी नोटिस आता है सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।